नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज अहमदाबाद से श्रमिक स्पेशल ट्रेन लगभग 1200 लोगों को लेकर आजमगढ़ पहुंची। अपने प्रदेश में पहुंचे लोगों के चेहरे पर आत्मसंतोष दिखाई दे रहा था। इस ट्रेन में विभिन्न जिलों जैसे चंदौली, बाराबंकी और अन्य जिलों के लोग भी शामिल थे। ट्रेन जब स्टेशन पर पहुंची तो प्रशासन अपने पूरे लाव लश्कर के साथ मौजूद था। मौके पर लोकप्रिय जिलाधिकारी एनपी सिंह, पुलिस कप्तान प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने इस दौरान ट्रेन में बैठे लोगों से बातचीत किया, उनसे दरियाफ्त करने की कोशिश की कि कहीं आने वाले यात्रियों को रास्ते में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई। उसके बाद जिलाधिकारी आजमगढ़ ने सीआईबी इंडिया न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया कि ये लोग लगभग 1200 की संख्या में हैं, गुजरात के अहमदाबाद से चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले इनकी जांच कराकर इनके घर भेजा जाएगा, फिर जिले के बाकी बचे लोगों को गांव भेजकर उनको मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनवाकर उनको रोजगार दिया जाएगा। साथ ही अन्य योजनाओं से भी इन लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि जिलाधिकारी ने हमसे बातचीत में क्या कहा। मालिक ने इनको बताया कंपनी के कि हमने भी इनसे नहीं लिया गया, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें भी कोई मतलब कुछ नहीं, क्योंकि ज़्यादातर से मैं ही बात कर रहा हूँ। कुल कितने लोग आए सर? अभी तो एग्जैक्ट मालूम होगा, लेकिन 1200 कुछ है, लेकिन ये होगी बार जब एक एनालिसिस होती है तो सही सूचना मिलती है, बट 1200 के आसपास लोग, कई जिलों के लोग हैं जिसमें अहमदाबाद से। अभी आपने बात किया सर, लोगों ने क्या बताया वहाँ से, खाने पीने या अन्य चीज़ों की बातों को? उनका ये कहना था कि हम वहाँ पर काम बंद हो गया था इसलिए अपने गांव आना चाहते थे, और हमारे जो कंपनी का व्यक्ति था उसने हमारा रजिस्ट्रेशन करवाया वहाँ के पोर्टल पर और हमको टिकट मिला, हम चले। अब इन लोगों के लिए सर कोई सुविधा आपकी तरफ से या इनके रोजगार को? ये जो स्वाभाविक रूप से जो लोग हैं इनको हम गाँव में जाएंगे तो इनकी सूची विलेज वाइज बन रही है जी, और इनको स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यकता अनुसार हेल्थ के प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई होगी ताकि कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो जी कोरोना, लेकिन इनके जीविकोपार्जन के लिए भी प्लान किया जा रहा है, मनरेगा का जॉब कार्ड, राशन कार्ड, और अगर पात्र होंगे तो 1000 रुपये जो माननीय मुख्यमंत्री जी की दिहाड़ी की योजना है उससे जोड़ा जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए भी इनकी स्किल की मैपिंग करा रहे हैं, और जो जिस योग्य होगा, जो हुनर होगा, उसके साथ प्रोड्यूसर ग्रुप बनाकर और उसमें उनको कौशल विकास मिशन, RCT आदि योजनाओं से ट्रेन करा के उनको एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन एक्टिविटी से भी जोड़ने की पूरी मुहिम और स्ट्रैटेजी बनाई जाए। सर कल प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी लोकल को ग्लोबल बनाने की, तो क्या लगता है आपको ये जो मजदूर बाहर से ज़्यादातर इनमें प्रशिक्षित हैं या जो प्रशिक्षित नहीं है उनको लेकर के किस तरह से योजना बना के? मैंने अभी आपसे कहा जो कौशल विकास मिशन RCT की जो तमाम ट्रेनिंग संस्थाएं हैं उनसे उनके हुनर और इच्छानुसार ट्रेन करके प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके जिसमें वो काम कर सकते हैं और जो कंज्यूमर की आवश्यकता है उसके अनुसार उनको प्रमोट किया जाएगा ताकि एक क्वालिटी ब्रांड के रूप में खड़े हो सके। ट्रेन से उतरने के बाद सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कतारबद्ध करते हुए बनाए गए गोलों में खड़ा कराया गया, फिर एक एक करके मुख्य द्वार से ही सभी को निकालना शुरू किया गया। मुख्य द्वार पर ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद थी जो सभी का थर्मल स्क्रीनिंग कर रही थी, साथ ही साथ रजिस्टर में प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी को भी अंकित किया जा रहा था। बाहर निकलने पर इन लोगों के लिए खाने पीने के लिए लंच के पैकेट का इंतज़ाम कराया गया था। ये लोग एक एक करके जा रहे थे और अपने लंच पैकेट को उठा करके आगे बढ़ते जा रहे थे, तो वहीं भारत रक्षा दल के साथियों ने भी यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था की थी। वहीं बगल में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने भी स्टॉल लगाकर आने वाले यात्रियों के लिए बिस्किट और पानी का इंतज़ाम किया था। हमने कुछ लोगों से बातचीत भी किया, उन्होंने बताया कि उन्हें रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई, ना ही उनसे कोई पैसा लिया गया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब वो यहाँ पर पहुँच कर अच्छा महसूस कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से, और
क्या कोई तकलीफ हुई रास्ते में आने में यहाँ तक? नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं। सब रुपये पैसे लिए गए? नहीं, सब कुछ आपको अपने जगह पे आके बुला के अच्छा लगा? अपने गाँव में आके अच्छा लग रहा है? बढ़िया लगा, वहाँ से अपने गाँव में आके अच्छा लगा। कहाँ घर है? सागर। सागर कहाँ से आ रहे हो? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से आने में कोई तकलीफ हुई वहाँ से? नहीं, कोई तकलीफ नहीं।